उत्तराखंड हिमालय के नैनीताल के हरे भरे जंगलों में आपका स्वागत है। यहाँ घने पेड़ों और कठिन इलाके के बीच एक दिलचस्प प्राणी रहता है जिसे कांकड़ या भौंकने वाला हिरण कहते हैं। आइए हम इस मायावी जानवर के जीवन और आदतों का अन्वेषण करें। सुबह और शाम के समय जंगल की पगडंडियां कांकड़ के शांत कदमों से जीवंत हो जाती हैं। नर और मादा दोनों ही इन रास्तों पर चलते हैं, अपने परिवेश में घुल मिल जाते हैं। जब गर्मी हिमालय को अपनी चपेट में ले लेती है तो पानी एक कीमती संसाधन बन जाता है। कांकड़ अक्सर झीलों और छोटी धाराओं से अपनी प्यास बुझाते हुए देखे जाते हैं। उनकी सावधानी हमेशा बनी रहती है। मानसून के आने से पहले नर कांकड़ अपनी सींग गिराते हैं। यह वार्षिक अनुष्ठान एक युग का अंत है जिसके बाद नए सींग जल्द ही उगने लगते हैं, जो नवीनीकरण और वृद्धि का प्रतीक है। अपना क्षेत्र स्थापित करने के लिए नर कांकड़ एक अनूठा व्यवहार अपनाते हैं। वे अपने चेहरे को जमीन और पेड़ों पर रगड़ते हैं। अपनी गंध के निशान छोड़ते हैं ताकि प्रतिद्वंदियों को दूर रखा जा सके और साथी को आकर्षित किया जा सके। जंगल की गहराई में शांति के पल देखे जा सकते हैं जब नर और मादा कांकड़ एक साथ आते हैं, अपने क्षेत्र को सौहार्द्रता से साझा करते हैं। लेकिन सौहार्द्रता जल्दी ही संघर्ष में बदल सकती है। क्षेत्रीय विवाद आम है जिसमें नर अपनी प्रभुत्व और प्रजनन अधिकार सुनिश्चित करने के लिए घमासान लड़ाई में उलझ जाते हैं। जंगल की झाड़ियों के बीच माँ और बच्चे के बीच कोमल क्षण प्रकट होते हैं। पोषण का यह बंधन अगले पीढ़ी के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। युवा को जंगल में जीवन के आवश्यक कौशल सिखाता है। कांकड़ का नाम उसकी विशिष्ट पुकार से पड़ा है। यह तेज भौंक जंगल में गूंजती है, संभावित खतरे की चेतावनी देने के लिए अन्य हिरणों को सचेत करती है। कांकड़ अपने आवास को अन्य अद्वितीय प्राणियों के साथ साझा करता है। घुरल अक्सर उनके साथ चरते हुए देखे जा सकते हैं और रंग बिरंगा कलेच इस दृश्य में रंग भरता है। इन कठिन इलाकों में मायावी सराव भी घूमते हैं, कांकड़ के साथ अपना आवास साझा करते हैं। ये जानवर अपने अद्वितीय तरीके से कठिन पर्यावरण के लिए अनुकूलित हैं। जब रात होती है तो जंगल का रूप बदल जाता है, तेंदुए जैसे शिकारी प्रकट होते हैं, कांकड़ की दुनिया में खतरे का तत्व जोड़ते हैं। सभी मुठभेड़ दोस्ताना नहीं होती। एक नाटकीय दृश्य में एक पीले गले वाले मार्टिन की एक मादा कांकड़ से मुठभेड़ होती है। जब मार्टिन बहुत करीब आता है तो हिरण दौड़ता है जिससे मार्टिन को पीछे हटना पड़ता है। कांकड़ अपने विविध व्यवहारों के साथ नैनीताल की समृद्ध जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके जीवन की इन झलकियों के माध्यम से हम इन मायावी प्राणियों और प्रकृति के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में जो योगदान देते हैं उसकी गहरी सराहना करते हैं। हमारे साथ कांकड़ के जीवन की इस यात्रा पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक हम अपने प्राकृतिक विश्व की अद्भुत चीजों की सराहना और सुरक्षा करते रहें।